नमस्कार, एजुकेशन टेक्नोलॉजी ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज आपको इस वीडियो में बताया जाएगा कि यदि आपको गेहूं नहीं मिल रही है खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत, तो आपको गेहूं मिलने शुरू हो जाएगी, वो भी कुछ शर्तों के आधार पर। ये अस्थायी रूप से जो अभी काम बंद हुआ है COVID-19 के कारण, कोरोना वायरस के कारण, उन लोगों के लिए सूचना है। उनको क्या करना है, किस प्रकार से करना है, वो सारी इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। COVID-19 महामारी के कारण अस्थायी रूप से बंद हुए उद्योगों, धंधों एवं उसमें कार्यरत कार्मिकों के लिए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा गेहूं का वितरण किया जाएगा। इसके लिए प्रवासियों को ई मित्र पोर्टल पर सर्वे फॉर्म जो है वो आपको भरना है। ई मित्र के ऊपर आपको जाना है, ई मित्र की शॉप पे जाकर आपको जो भी जानकारी है वो सारी अपडेट करवानी है, उसके बाद में आगे की कार्रवाई की जाएगी। इसके अंदर कुछ कैटेगरी निर्धारित की गई है, उन कैटेगरी के अंदर यदि आप आते हो तो आप ये फॉर्म भर सकते हो और आपको गेहूँ मिलने शुरू हो जाएगी। COVID-19 की परिस्थिति के कारण अस्थायी रूप से बंद हुए उद्योग धंधों एवं कार्यरत कार्मिकों की कुछ श्रेणियां हैं। जो कटिंग का काम करते थे, कपड़े धुलाई का या प्रेस करने वाले जो व्यक्ति थे, फुटवेयर मरम्मत करने वाले, पॉलिश करने वाले, घरों की साफ सफाई, खाना बनाने वाले, ऐसे व्यक्ति जो चौराहों पर सामान बेचते थे, अपना भोजन किसी स्थान पर पका कर खाते थे, रिक्शा ऑटो चालक वाले व्यक्ति, पान की दुकान चलाने वाला व्यक्ति, रेस्टोरेंट होटल के वेटर रसोईया, रद्दी बीनने वाला व्यक्ति, भवन निर्माण कार्यों में नियोजित निर्माण श्रमिक, कोरोना के कारण बंद हुए उद्योग धंधों में लगे श्रमिक, प्राइवेट पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कार्यरत ड्राइवर एवं कंडक्टर, ठेला रेहड़ी वाले, स्ट्रीट वेंडर जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में शामिल न हो, धार्मिक संस्थाओं में पूजा इबादत कर्मकांड धार्मिक कार्य करने वाले व्यक्ति, ऐसे धार्मिक व्यक्ति जो विवाह निकाह एवं अन्य धार्मिक कार्य संपन्न कराते हैं, मैरिज पैलेस कैटरिंग में कार्य करने वाले कार्मिक, सिनेमा हॉल में काम करने वाले कार्मिक, कोचिंग संस्थाओं में सफाई एवं सहायक का कार्य करने वाले कार्मिक, विवाह समारोह में बैंड ढोलक बजाने वाले, घोड़ी वाले, नाचने गाने बजाने वाले, नागिनों आभूषण चूड़ियों में काम करने वाले व्यक्ति, फर्नीचर के काम में लगे श्रमिक, बुक बाइंडिंग प्रिंटिंग प्रेस करने वाले व्यक्ति, सभी प्रकार के रंगाई पुताई या कलरिंग का काम करने वाले व्यक्ति, पर्यटन गाइड का काम करने वाले व्यक्ति, कठपुतली का खेल दिखाने वाले, ईंट भट्टों में लगे श्रमिक, फूल मालाओं का काम करने वाले, टायर पंचर बनाने वाले श्रमिक, पतल धोने बनाने के काम में लगे श्रमिक, घुमंतु अर्ध घुमंतु व्यक्ति, गाड़ियां लोहार झूले वाले, खेल तमाशा दिखाने वाले, जादू करतब दिखाने वाले, लोक कलाकार, कालबेलिया, मांगनियार, कुल्ली, हमाल, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले, अन्य। इस कैटेगरी के अंदर कोई भी व्यक्ति यदि आता है तो आपको ई मित्रा पोर्टल पे जाना है और ये जो फॉर्म है वो भरना है। फॉर्म कैसे भरना है वो भी मैं इस वीडियो में आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपको जन आधार लिखना है या आधार नंबर, दोनों। जन आधार जो है आपके पास नहीं है तो ई मित्र वाला जो है उसका आप प्रिंट आपको निकाल के दे देगा। परिवार के मुखिया का नाम, परिवार के कुल सदस्य संख्या, ये जन आधार के अनुसार लिखना है। यानी परिवार के मुखिया का नाम लेडीज का हो गया, जन आधार में मुखिया जो है वो महिला है, कुल सदस्य कितने हैं, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, आवासीय पता लिखना है, गृह राज्य, व्यवसाय का स्थान का पता, यदि किसी संस्थान में कार्य रहता है तो उस मालिक का मोबाइल नंबर वगैरह लिखना है, जो होटल वगैरह के अंदर रहता था तो संस्थान का पता, क्या परिवार का कोई सदस्य बाहर रोजगार नौकरी करता है, यानी ये जो डिटेल है, बैंक खाता लिखना है, डाटा एंट्री करते का नाम, मोबाइल नंबर, ये जो भी है वो सारी सूचनाएँ भरनी है आपको, हस्ताक्षर करने हैं यहाँ पर नीचे, और सारी के साथ सूचना भर के आपको ई मित्रा पोर्टल के ऊपर जाना है, जिसमें सर्विस में आपको यूटिलिटी चुनना है और थर्ड पार्टी सर्विस चुनना है,
उसके अंदर ये डिपार्टमेंट दिया गया है और फिर नीचे सर्विस का नाम चुनना है। इस स्टेप से ई मित्रा पोर्टल पे फॉर्म जो है वो भरा जाएगा और सेवा के लिए ट्रांजैक्शन यदि कोई करेगा तो 6 रुपये का कमीशन दिया जाएगा। आवेदक से किसी प्रकार का चार्ज नहीं लिया जाना है। इस प्रकार से आप जो है सेवा का चयन जो है नीचे सारा इमेज दिया गया है। इस प्रकार से अवेलेबल सर्विस के अंदर नॉन एन लिखोगे तो ये इस प्रकार से नीचे ऑप्शन आएगा, इसको चुनना है, फिर यहाँ पे ओके करना है। ओके करने के बाद ये स्क्रीन आएगी, फिर जन आधार संख्या, आधार संख्या या मोबाइल नंबर से आप कौन सा सर्च करोगे वो लिखना है। यहाँ पर आप आधार संख्या से सर्च कर सकते हो, जन आधार से सर्च कर सकते हो। फिर यहाँ पे आपने सर्च करना है। सर्च करने के बाद में यहाँ पे सारी की सारी मुखिया की जो डिटेल्स है वो भरनी है। डिटेल भरने के बाद ये सारा वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के बाद ओटीपी आएगा अगले कस्टमर के मोबाइल पे, वो ओटीपी लगाना है। ओटीपी लगाने के बाद वहाँ पे आपको यस या नो का सदस्य जो है वो चेक करना है। सारे के सारे बॉक्स में दिखाई देंगे दोनों स्क्रीन, और इस प्रकार से जो सारी डिटेल है आप भर दोगे। ये सारी डिटेल भरने के बाद डिटेल जो है वो पूरी सावधानी के साथ भरना है। कहाँ पे काम करते थे, क्या करना है, ये देखिए यहाँ पे मांगेगा तो यहाँ पे आपको चुन लेना है और फिर आपको सबमिट कर देना है, कन्फर्म करना है। कन्फर्म करने के बाद आपको सबमिट करना है। सूचना चलेगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और इसी प्रकार के वीडियो मेरे चैनल पर आपके लिए आते रहेंगे। कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट कर देना वीडियो के नीचे, मैं आपकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।